नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। कर्नाटक बिटकॉइन स्कैम को लेकर राज्य में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी ने जनधन खातों में बहुत बड़ी गड़बड़ी होने का भी आरोप लगाया है। उनका दावा है कि आरोपी ने जनधन खातों को भी हैक किया था। उसने 2,000 रुपये हैक कर 6,000 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किए थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ये कहां तक सच है इसका नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके आधार पर बता रहा हूं। बता दें कि इससे पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने इसे बड़ी साजिश करार दिया था। सिद्धारमैया ने ट्वीट कर लिखा था कि मिलिए बिग बॉस श्रीकी से, ये वो हैकर है जो पुलिस को भी धोखा देने में कामयाब रहा है। इस घोटाले में प्रभावशाली राजनेताओं के शामिल होने की जानकारी है। सिद्धारमैया ने राजनेताओं की मदद के लिए अधिकारियों पर मामले को दबाने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि बिटकॉइन घोटाले को लेकर कर्नाटक में करीब एक साल बाद फिर से बवाल मच गया है। इस घोटाले का खुलासा पिछले साल उस समय हुआ जब 18 नवंबर 2020 को केंद्रीय अपराध शाखा के अधिकारियों ने बेंगलुरु के हैकर श्री कृष्ण रमेश से 9 करोड़ रुपए के बिटकॉइन जब्त किए थे। रमेश ने क्रिप्टो करेंसी बिजनेस में काम करने वाले लोगों के अकाउंट को हैक किया और वहां से बिटकॉइन चुरा लिए। उस पर डार्क वेब के जरिए ड्रग ट्रेडिंग का भी आरोप है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।